अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसले दे पियो सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल हैं तुहाडे? ठीक ठाक हो? मजे विच हो? तमाम मेरे भेणी, तमाम मेरे मावा, तमाम मेरे सोने सोने सहेलियां और जना प्यारे प्यारे दोस्त, ताको खुश आमदीद आकसा, मैं गुड मॉर्निंग आकसा और जी आया को आकसा। क्या थी ना पे आजकल, क्या मसरूफियत है और घर बार खीवे हैं मैं पूछा। और यकीनन बच्चे घर हैं पे और आजकल मैं आते ये भी इंजॉयमेंट है पे, मामा वास्ते सुकून ही सुकून है। मैं समेत शुक्र पर दे कि शुक्र है सुकून है, लेकिन क्योंकि ऐसा तो मॉर्निंग उठना ही उठना है, ड्यूटी ही ड्यूटी है, ऐसा तो पहुँच रहे नहीं थे, लेकिन मामा बड़े खुश हो रहे थे कि शुक्र है बच्चों को छुट्टियां हैं, रिलैक्सेशन ही रिलैक्सेशन है, मज़े नाल उठसूँ, मज़े नाल नाश्ता करे सूँ। और हस्बैंड अगर जॉब तो नहीं वेंदे और अगर बिल्कुल बिजनेस मैन है तो वाल बे ही मज़े हैं थे, आराम दा 11 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं और उनके बाद जनाब जी काम चलते थे, बट रेस्ट अच्छा है। और मैं आते बड़े इंतजार होंगे, जिवें बच्चों को इंतजार होंगे, वो मेरे भेणी को भी बड़ा इंतजार होंगे। अच्छा आज मेरे शो में क्या है, मैं ये दस ऐसा आज मेरे शो च टैलेंटेड ही टैलेंटेड लोग हैं पे और हर एक दा आपड़ा ही एक मुनफरिद अंदाज है पिया। और जिवें जिवें गेस्ट आवने शुरू थी सर, मैं नाल नाल दसेंदी वैसा उन्हां दा जिहड़ा मुनफरिद और अनोखा अंदाज है, जिहड़ा कि उन्हां को बिना लोगों को मुनफरिद बनाई देती है, वो क्या क्या है पिया। और इन टाइम मेरे नाल जिहड़े गेस्ट हैं, मैं चाह सकी अज घट अलावा, अज मेरा मूड घट अलावण ते है, जण दी सफर तो करके आई हां, हाले थोड़ा रिलैक्स करंदी पई हां। और दूजी बात गल है कि मेरे थोड़ा गले गले विच थोड़ा प्रॉब्लम भी चलदा पे थियो और वाल वाल मेरे को पुछन दी कॉल, मैं डॉक्टर कोल भी गई हां बकायदा दिखा आई हां, ते थोड़ा अचार जड़ा है पिकल वाला अचार जो कुआ हैं थे, वो मैं थोड़ा खा के दो, मेरे को लड़ गए थे और मेरा थोड़ा गला जोड़ा है मेरा खराब है। और इनशाला तेरे दुआ ना बहुत जल्द ठीक भी थी वैसा, लेकिन जॉब तो जॉब है, बिल्कुल मेरा काम तो अलावना ही अलावना है। मैं चल सा अपने मेहमान वाले और उन्होंने तारुफ कर वैसा, मैं चाह सा कि मैं घट अलावा और मेरे आज जड़े मेहमान हैं जड़े के मैं आदियाँ के मुनफरिद हैं, अनोखे हैं और बड़े ही प्यारी आवाज़ रखे हैं थे, लेजेंड सिंगर हैं पे और वह ही प्यारे इंसान हैं, हंसते मुस्कुराते रहन हमेशा, दिल भी उन्होंने बहुत ही प्यारा है, ये नहीं कि बाई फेस ही बहुत सोने हैं थे, लेकिन दिल दे भी बहुत अच्छे हैं पे, बिल्कुल मेरे नाल हैं पे। बड़े अरसे बाद असर ने कोई इनवाइट शिकवा ये होंगे इनवाइट किए सुहेल, ये वाकई उन्होंने शिकवा बजा है, उन्होंने वाकई वक्तन फवक्तन इनवाइट करना चाहिए और अच्छा भी लगता है जो आनंद थे और अपने खूबसूरत आवाज में बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जो सर नाजरीन को सुनाते भी हैं। जिले शाह हैं सर नाल, गुड मॉर्निंग जी आया को, खुश आमदीद, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आज लोग ना पहचान सकते जिले शाह को, चेंज है और सोचो क्या चेंज है पिया है। मैं आई और मैंने सोचा जब मैं इंटर थे यहाँ स्टूडियो में, मैं सोचा फिर सुहेल को पूछा यार ये कौन आया बैठा है। अच्छा मैं बड़ी देर अपना हैंड बैग जरा मेरे हाथ से हमेशा होंगे मैं पुट की तरह रखा और मैं सोचें रह गई कि सुहेल बैठे हैं थे मेरे स्टूडियो, क्योंकि सवेरे सवेरे ना एक मजमा जहाँ जमा होने दिया स्टार्ट थी उनको पहले प्रोग्राम। और मैं पूछा सुहेल को, मैं सुहेल ये पूछ बना ली हम और वाल में आवाज पहचानी जिले शाह थी, इतना चेंज क्या है? नहीं चेंज सिर्फ नादरी डे द पर्सन बीएड द चेंज। हां ते हुन तुसा गल करे ते पए कि मामा बड़ी खुश है। हां बिल्कुल, और जिले भी खुश है, मैं भी आज को छुट्टियां है। हां मैं तो बिल्कुल खुश हां, बीइंग अ टीचर मैं बहुत खुश हां क्योंकि छुट्टियां एंजॉय करें दा पे, लेकिन ये हकीकत कोई नहीं कि मामा खुश है। अच्छा वाकई कह नहीं, मैं कुछ जने स्कूल छुट्टी थी दी है, मतलब 3 महीने दी है, गर्मी दी छुट्टियां थी दी, तो मेरी अम्मी जेड़ा है ना वो हफ्ते बाद आ दी कडन स्कूल खुल सी ते कडन जान छुट सी थोड़ा तो ते जमाने चले गए जॉब जी तरह चलो जॉब। अच्छा कुछ छुट्टियां मिलते हैं वाकई गनीमत जानने और कोशिश होंगी की कुछ रेस्ट भी होना चाहिए, कुछ देर न उठो, ये बड़ी सारी ख्वाहिश होंगी है की लंबा समूह देर न जागते रहूं और मूवीज वगैरह एंजॉय करूं, रूटीन न होए, ब्रेकफास्ट बनाऊं, थोड़ा हट के होए। अच्छा शुरू शुरू तो मामा बड़े खुश होने थे, लेकिन जल वालों जो बच्चे कहराम मचे दिन थे, उधम मचे दिन थे, शोर शराबा होंगे और उसके बाद मैं डिस्टर्बेंस के कई टाइम समझे नहीं बच्चे, तत्ती दोपहर है और बच्चे बाहर खेलते वजन थे, बिल्कुल ये सब कुल मुश्किल काम होते मामा वास्ते इन चीज सिचुएशन को हैंडल करना। अच्छा सारे जमाने पता है मामा क्या करें, साको नान के फेंक दे दिया पूरे साल में। अच्छा मैं कल भी दसेंदी मामा नाजरीन को कि असर जड़े हैं
असा अपने नानके चले वेंदे आसे छुट्टियां गुजारण वास्ते, महीना डेढ़ महीना असा उसका गुजरेंदे आसे, उते बकायदा इवनिंग ट्यूशन भी होंदी, काम ही असा अपना मुकम्मल करेंदे आसे, छुट्टियां तो यार काम वो मिलता है, हुण उतना काम नहीं मिलता, ये देख लो व्हाई डिडंट गेट द बच्चा उते एजुकेशन इज रिफॉर्म्स ऑन द पेन हां ते वो मतलब ज्यादा बर्डनाइज करने की बजाय एक्टिविटी की तरफ ज्यादा स्कूल स्कूलों का रुझान है ते उन्दे नाल बच्चा ज्यादा सीखता भी है ठीक। अच्छा नॉर्दर्न एरिया की वजह आवे कोई खिरदे टुरदे वजह आवे आवन अलगा के मैं कल ही आए थे आयशा क्या कितना एंजॉय किया मैं कल ही आदि पे अपने नाज़रीन को कि आपरे वास्ते वक्त निकालो सब बच्चों वास्ते पूरी लाइफ गुजार रहे हैं लेकिन आपरी शख्सियत को आपरी ख्वाहिश को कितने भूल रहे हैं आपरे मैदे जो शौक है वो कितने एक पास रख दें लेकिन एक वक्त होना चाहिए जिम्मे कि तुम अपने फ्रेंड्स नाल गए दोस्तों नाल गए फैमिली घर है पे ठीक है टाइम करना चाहिए थे उनको भी घेन के होना चाहिए लेकिन अपने वास्ते भी होना चाहिए नहीं बिल्कुल थोड़ी गल बिल्कुल ठीक है ते मैं क्योंकि थोड़ा जिया इन्होंने दी ब्लड प्रेशर दी वजह तो इशू है मेरे को ते डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि यू शुड हैव टू गो मतलब अच्छी जगह को जाए सैर शहर मतलब दोस्तों नाल प्रोग्राम बनाया ते मैं भी इसी व्यूज को आखसा कि अगर थोड़े को टाइम है तो अपनी जात को बेशक जरूर टाइम दो ते जरूर घूमन फिरन वास्ते मन्यो ते बड़ी जबरदस्त जगह है अल्लाह ताला ने जन्नत जड़ी है ना पाकिस्तान है बिल्कुल बिल्कुल दी है ते सबको एक्सप्लोर करना चाहिए ऐसी चीजें बहुत मजा है मेरे को तो बहुत एंजॉय किया और सेहत पे भी अच्छा असर पड़ा और नेते जी पे मिजाज पे भी अच्छा बिल्कुल अच्छा असर पड़ा। अच्छा गाल के भी भैया है अगर मैं रूटीन बात देते हैं ठीक है बाला को असा अपने शहर में भी घुमा सकते हैं हर वीक में एक दिन रखना चाहिए बच्चों का और उनको जरूर घुमाना चाहिए थे उनको दिखाना चाहिए जितने उन्हें विश हो तक घिन के बढ़ना चाहिए थे ते लेकिन असम क्योंकि महंगाई है मुमकिन नहीं होता हर बंदा जो नॉर्दर्न एरिया चवन में आती है ठीक है लेकिन बाद टाइम अस कमई बच्च और इन बच्चों के ख्वाहिशात पूरी करने इतने बिजी थी वे मगन थी वे कि साको बड़े अरसे बाद एहसास थे यार मैं कितना हाँ मतलब अपनी इजाद फोकस कोई नहीं सिर्फ सुबह तो शाम तक कमाने महंगाई है चीजा पूरे करने बिजली के बिल बहुत ज्यादा आने थे ये चीज को भी कवर अप करने क्योंकि गर्मी है ज्यादा और लाजमी मेरी कल मासी को आधे पे काम वाली में गई थी आए ते मेरे को आदमन बाजी तो पता है मेरा दफा इतना बिल आ गया मैं कि बाजी कितना आ गए थे तो सर तो पंखा या ये चीजें चले दे सो ते मेरे को आखिर पे बाजी 7000 मेरा बिल आ गए थे ते बगैर मतलब एसी भी और कूलर के वाले और बड़े ही परेशान हर बाजी सर डिस्टर्ब थी गए थोड़ा बैलेंस फलां फलां ते अल्लाह मैं आदि हर एक वास्ते आसानी पैदा करे और दुआ ही करते हैं ये कहीं थोड़ा बहुत ही हेल्प करना शायद उन्होंने मसले हाल थी वन ये भी है क्योंकि लोगों के छोटे छोटे ख्वाहिशात उन्होंने छोटी छोटी जरूरत होने थे ऐसा अगर चाहूँ तो मिल के सारे मेरे ख्याल जो सारे मासियां हैं या काम करने लोग हैं इन्होंने ऐसा चाहूँ तो हेल्प आउट कर सकते हैं हाँ करनी भी चाहिए है ताकि ये जो सिचुएशन है जो परेशानी हो और बच्चे भी होने थे और हर फर्द काम करना पे आने थे आज के जमाना तो वो है पे ना सस्टेन ही कोई नहीं बंदा अगर कोई हर फैमिली का हर फर्द काम ना करे तो म्यूजिक सुन सो लेकिन थोड़ा बच्चे क्योंकि घर बैठे थे उनका जो शौक है वो हिसाब ला मैं चाह सके थोड़ा आगाज करूं अपने प्रोग्राम असल जो साड़ा स्कूल सिस्टम है वो बड़ा ही यूनिक म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट को डील करें दे ते एक इंटरनेशनल कैरिकुलम है स्कूल दा साड़े ते असा बेसिकली एक्टिविटीज उत्ते बिलीव करें ने ते असा मतलब बच्चे को पोम्स वगैरह भी होंदी हैं पोम्स भी होंदी हैं ते असा मतलब सॉन्ग्स भी करें ने लेकिन बेसिकली म्यूजिक है क्या असा उनकी लैंग्वेज क्या है वो किवें लिखिया वेंदे किवें उनको पढ़िया वेंदे ये सब काम असा मतलब गाइडेंस मिलती है क्योंकि म्यूजिक भी एक लैंग्वेज है इंटरनेशनल इमोशनल लैंग्वेज आखिया कि मतलब
अगर तुसा नहीं समझदे, तुसा कहीं भी मुल्क च हो तो उत्थां तुसा उन्हां दी बोली क्योंकि नहीं समझदे, तो को समझ नहीं आती, तो म्यूजिक अगर उत्थां प्ले थींदा पिया हो सी तो को म्यूजिक दे सेंस नाल पता चल सी कि ए इमोशनली ए खुश खुशी दा म्यूजिक है या ए गमी दा म्यूजिक है, ते हर बंदा फील कर सकदा। अच्छा मैं शेयर जरूर करना चाहता, जिले शाह मैं गई जरा तुर्की और मैं अंकरा रही, अंकरा मेरे को म्यूजिक सुनने को मिला और उत्था क्योंकि स्ट्रीट लाइफ है पई बहुत ज्यादा है पई, जिथे मैं रही जिथे मेरा होटल होगा सारी फूड स्ट्रीट है और शॉपिंग है, मेला दिया है लगा रहा है रात तक लगा रहा है, लेकिन उत्थे हाथ 12:30 है उनको ज्यादा क्या नहीं उतनी होती। अच्छा उत्थे मैं स्ट्रीट लास्ट नाइट में आवन को पहले गई थी मैं उत्था क्योंकि सैटरडे संडे ही मजमा होंदे थे और सिंगर खड़े हैं बकायदा और स्ट्रीट सिंगर जिनको आखावेंदे थे हर कोई अपनी धुन वजेंदा पे और अच्छा उन्हें बड़ा अच्छा है, मेरे को मैं भी थोड़ा इंजॉय किया हालांकि मेरे को बिल्कुल न समझ आती पे उन्हें लैंग्वेज बिल्कुल और लेकिन जो उनके इमोशंस हैं उस सिंगर दे वो वाजे नजर आते पे हैं तो लोग बड़ा मजमा है म्यूजिक की वजह से तो आपको जड़ा ना फीलिंग्स महसूस हां अच्छा लगा मेरे को मतलब उठा ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिली इथे हाले ए वाला चीज कहने के स्ट्रीट सिंगर सारे नजर आवे वीकेंड में बाहर निकल आवे अपना टैलेंट जो है शो करें। अच्छा थोड़ा रिजर्व है इस मामले में ना थोड़ा एंटरटेनमेंट इतना भी होना चाहिए, एंटरटेनमेंट सेगमेंट साइड है ना थोड़ा वो है लिमिटेड है महदूद है होना चाहिए नहीं को। अच्छा वो मजे की गाल है और उनके बाद ठीक है उनको लोग था उनको पैसे भी देने पे आन थे और इमे एक अच्छी कमाई भी है इनकम का भी अच्छा जरिया है क्या बिल्कुल ठीक आ दे पे हो कि ए वैसे सेगमेंट जेड़ा एंटरटेनमेंट का सेगमेंट है बहुत ज्यादा अच्छा है ते इंदी नॉमिनेशन जिमे हम देखो ना इंडिया का एक सेगमेंट है एंटरटेनमेंट उनों दी इंडस्ट्री जेड़ी है ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਸਾਕੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਹੋਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਹਲੇ ਵੈਸੋ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥਾ ਬਈ ਇਹ ਕਮੀ ਮੇ ਕੋ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਛਾਈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਰਸੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਪਈ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਸਨ ਔਰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਦਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਹੈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਗੋ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਵੇ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਵ 뮤직 ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਥਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਖੋਲਣ ਮਲਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਸਨ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੇਸਨ ਤੇ ਔਰ ਉੱਥਾ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆਵੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਚਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੋਬਲੀ ਬਾਕੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੂਡ ਸਟਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥਾ ਔਰ ਅਸਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਾ ਸਭ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਮਤਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਂ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਕਿਥੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਸ वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदेद सवेल दे रहे लाइव शो है जनाब बिल्कुल कॉल भी कर सकते हो अगर कोई फरमाइश है गीत सुनना चाहते हो जिले शाह को सुन सकते हो इनके अलावा अगर आज तुरा दिल आदा पे मूड बना पे थी तो तुसे चाहते हो कि कुछ गुनगुना रहे हो तो तुसा भी गुनगुना सकते हो नंबर है 0335-0335-444 यानी कि 444-0854 और 53 है साडा दूजा नंबर स्क्रीन पर चलता पे तुसा देख सकते हो। अच्छा जिले शाह स्कूल ते छुट्टियां चल रहे पे थे अगर इवेंट की गल करनी है तो सारे मुल्तान विच गर्मी विच इवेंट की कमी नजर आंदी है ना। हां गर्मी विच बहुत कुछ कम नजर आंदे मुल्तान विच बहर रोड ते लेकिन आम ज्यादा नजर आंदे आम ज्यादा नजर आंदे सही गल है। अच्छा टिकटॉक दा शौक तो कोई है बनाया नहीं मैं अजन तक चैनल तो नहीं गया। अच्छा मैं यूट्यूब मेरा चैनल है यूट्यूब दे ते फेसबुक आई ठीक है टिकटॉक फिलहाल मैं नहीं गया हो सकता मोस्ट प्रोबेबली ठीक है। अच्छा नहीं आज सारे को जो मैं गेस्ट आते पे थे वो टिकटॉक के स्टार हैं पे
और मैं आते हैं पाकिस्तान में उन्होंने शोहरत नहीं हासिल की थी बल्कि हमसाए मुल्क में भी उन्होंने शोहरत दे चर्चे हैं पे है। मैं आती हूँ टैलेंट की कोई कमी नहीं पाए बन दी सारे मुल्क च और मजे की गाल है मैं गाल करें दी पे सुबह को भी अपने कलीग्स नाल के भाई टैलेंट तो कोई कमी है क्या ना गाल है प्लेटफॉर्म कि कहीं को प्लेटफॉर्म मेसर आ वेंदे थे कहीं को प्लेटफॉर्म नहीं मेसर आंदा कहीं शोबिज तक पहुंच वेंदे कुछ नहीं पहुंच पांदे थे लेकिन टिकटॉक एदी जड़ी मैं थे सहूलत है वो इतनी मजे दी है कि हर बंदा जड़ा है कोशिश करना पैंदा जो छुपा हुआ आदर ना कोई टैलेंट है हाँ। मैं उत अगू घेन के आवा और जड़ा बंदा मैं थे कैमरे तक आंदे थोड़ा शाय फील करना पे आंदे थे या उनके वास्ते मुश्किल होंदे लेकिन वो बड़े मजे नाल टिकटॉक ते गाने भी गांदा पे आंदे मुख्तलिफ एक्टिंग ही करेंदे नजर आंदा पे आंदे मतलब एक मुनफरिद अंदाज दे नाल नजर आंदे थे। बिल्कुल गल बिल्कुल ठीक कीती है कि साडे कोल जड़ा है ना प्लेटफॉर्म कहनी टिकटॉक ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिते ते उन लोगों वास्ते जिन्हां दे अंदर एक टैलेंट है ते लेकिन वो लोगों दे सामने पेश करन तो डरदे हैं एक भाई हिडन कैमरे दे विच तुसां जड़ा ना अपने आप को परफॉर्म करके मैं हां और सिर्फ मेरे हाथ च कैमरा है मेरे ही हुंदा मतलब सेल्फ लोग को सराहंदे हैं ते बड़ा उनको अप्रिशिएट करदे हैं वालों को अच्छा लगदे थे जे लाइक्स आंदे पे उन्हें कमेंट्स आंदे पे उन्हें ते वालों को एहसास थिंदे के वाकई असर कुछ कर सकते हैं ए टैलेंट सारे विच भी पाया वेंदे थिया और इधर वास्ते अंदाजा थे कितने लाइक ज्यादा आए थे कितने ज्यादा मैसेज आए थे फैंस बन गए कितने फैंस बन गए थे। ये बड़ा अच्छा चैनल है तो इन नाल जड़ा है ना ये जड़ा संजी में आदे पे तो एंटरटेनमेंट सेगमेंट को बड़ा ही जी में हम तो आदे पे एक नॉर्मल जे वो मतलब एक आम जे आदमी है तो टिकटॉक दी वजह तो हम सारे मुल्क तक साड़े गए। अच्छा गाल है बंदे आम नहीं होंगे मजे की गाल है सबको यानी सबको अंदाजा नहीं होता कि वो बंदा क्या कर सकता है उनको खुद भी नहीं होता अंदाजा मैं ये जो सारी मुलाकात थी सी आई में दस टाइम नाजरीन को कि टिकटॉक के बयादियां स्टार जड़े हैं इन टाइम सारे आवन आए हैं कुछ देर बाद और उन्होंने एक अलग ही अंदाज है और शेर शायरी करने थे शायर हैं बेसिकली लेकिन जो उन्होंने एक अंदाज है वो इतना क्लिक की थे उन्होंने टिकटॉक के थ्रू कि जो सारे हमसाए मुल्क हैं उन्होंने न्यूज में भी उन्होंने बाकायदा चर्चा है और सबको अच्छा लगा कि सारे ही वसेब नाल उन्हों दा तालुक है। मैं इन्हें तो भी प्राउड करे सा कि ऐसे सारे ही वसेब नाल नौजवान दा तालुक है और कुछ देर बाद मेरे प्रोग्राम दा हिस्सा सन और पहली दफा मेरे शो विच ही आंदे पे थे इन गल ते भी मेरे को बहुत अच्छा लगता पे कि मेरे ही शो विच आ सन थे और उधर बाद वाल मजीद लोग यकीन बिना शो विच भी होसन थे और अच्छा भी लगती थी लेकिन वाकई टैलेंट मतलब ये बड़ा आसान तरीका मैं आदि अपने आप को फेमस करने का भी लेकिन अगर मुनफरिद अंदाज है तो लोग तो डेली टिकटॉक बने हैं लोग जो ना चेंज मांगते हैं थोड़ा जो व्यूअरशिप है ना वो चेंज मांगती है हमेशा आदि कि कुछ नया होना चाहिए कुछ जदीद होना चाहिए ते जी में तो साधे पे कि इतने सारे यूजर हैं टिकटॉक दे लेकिन कोई हिक क्योंकि वो अच्छा तो सर हम ट्राई करें सो सोचे ना हाँ मैं हम तो सर जी में दस्ते के गेस्ट बारे तो मैं भी सर तो वैसे स्टार हो ताकि तो जरूरत ही कहने मैं ये सोशल ये सेगमेंट देते भी आना चाहिए है ना थोड़ा मैं आई हैव हर्ड कि मतलब कुछ लोग पाकिस्तानी स्टार हैं टिकटॉक दे जिन्हें दे नाल साढ़े हमसाया मुल्क जिड़ा है उन्हों दे स्टार्स आके सिर्फ उन्हों दे नाल बैठ के तस्वीर शस्वीर ते ओ करवा और असल लोग ना कदरे हैं हां सारे को तो टैलेंट ही टैलेंट भरा के हां यानी ऐसे प्रोग्राम्स भी होने चाहिए ऐसे शोज भी होने चाहिए जिससे एक जो न्यू टैलेंट है या नवा जो हंट करे वो आना चाहिए नजर आ जाते हैं। अच्छा वसीम की हमेशा कोशिश होती है कि जो सारे जनूबी पंजाब के लोग हैं जिन्हें को कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिले नजर आ रहा है बिल्कुल ही महरूम हाँ, है महरूम तबका है चलो उन्हें को अगु तक घिन के उन्हें को हाईलाइट तक करो उन्हें को दिखाऊं तो वसीम की काविश है बहुत जबरदस्त काविश वाकई जबरदस्त है कोई अप्रिशिएट करना भी चाहिए कि जितना भी टैलेंट है उनको एक मौका तो जरूर देते दे हैं कि आओ तो लिखेने हैं वो वही गाल है वो क्लिक करें या ना करें थे ये उनकी लक है लेकिन मौका दे मौका जरूर दे देने कि आओ थे। अच्छा अगर मैं गाल करें नहीं हाँ तुम्हारी माशाल्लाह आवाज बहुत अच्छी है जिलेशा तो सा स्कूल की जॉब थी तो लगता नहीं कि रिजर्व थी गे हो या लगता कि नहीं ये बेस्ट है पिया जिवें मुल्तान दे अगर ऐसा गाल करें तो कुछ इंडस्ट्री क्या नहीं म्यूजिक दे हवाले कोई वर्क इधर ज्यादा हाँ तो ये गाल बिल्कुल ठीक है कि इंडस्ट्री क्योंकि कोई नहीं मुल्तान दे म्यूजिक दे हवाले ना दे यानी अगर वीडियो बनावने के वाले वे शहर में वरना पौंदे तो को लाहौर वरना पौंदे बिल्कुल ही गाल रिकॉर्डिंग वास्ते मस्त है म्यूजिक रिलेटेड लोग जड़ा है ना बड़े परेशान भी है मुल्तान में लेकिन एक जॉब एक अच्छी चीज है
ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਮੇ ਕੋ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਿਸ਼ਾਨੇ ਜੋ ਬੱਚੀ ਆਇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਥੀਨੇ ਪੈਣ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਰ ਦਿਓ ਤੋ ਕੋ ਪਤਾ ਤੋ ਕੋ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲ ਵਣੀ ਘਰ ਮੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਵੰਦੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਅੱਛੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲੀ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਸੂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ ਗੈਸਟ ਹੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਵੀ ਕਰਵੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद को सवेल दे रहा और जो कि मैं ब्रेक को पहले आ चुकी हाँ आज टिकटॉक दे स्टार्स मेरे नाल स्टार नहीं स्टार्स हैं यानी कि नू में ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपने मुनफिद और अनोखे अंदाज नाल जनाब जी बिल्कुल शोहरत हासिल की थी और बिल्कुल आहद मकसूद मेरे नाल है इन टाइम और मैं दस चुकी हाँ कि जनाब इन्होंने दे मुनफिद शुरु शायद एक अंदाज है पे उनकी वजह नाल काफ़ी मशहूर भी थे और क्या अंदाज है तो कोई पता चल सी थी मैं भी देख सकते थे खानपुर नाल इन्हों का ताल्लुक है पिया इन टाइम सारे नाल हैं पे इन्हों को खुश आमदीद गुड मॉर्निंग और जी आए गा सुन अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अल्लाह का करम ठीक ठाक हो जी हाँ सफर खैर आफियत नाल गुजरा माशाल्लाह पुज गए जी हाँ बिल्कुल थैंक यू जनाब तो तशरीफ खेन के और मेरे नाल हैं पे जनाब जी के मैं आदि भैया के टिकटॉक पे स्टार हैं पे रिटम अंबर शाह हैं पे इन्हें खुश आमदीद अक्सर गुड मॉर्निंग और जी आया कब सो थैंक यू अंबर तो तशरीफ खेन के है और पहले मैं आहत को ही आखसा आहत जरा अंदाज और मुनफरिद अंदाज जिन्हें आदि ना कि हमसाया मोह की तारीफ करें तो मजबूर थी कि क्या है अंदाज थोड़ा अपने अंदाज नाल हाँ जी बिल्कुल जी तो मैं फेमस थे जी हाँ बिल्कुल वही अंदाज और वही तो वर्ड्स हैं ना सुनो तुमने ही तो कहा था मैं कश्ती पर बोझ हूँ अब आंखों को मत ढांप मुझे डूबता देख हाय हाय जबरदस्त वाह जी एक दफा दोबारा तुमने ही तो कहा था मैं कश्ती पर बोझ हूँ अब आंखों को मत ढांप मुझे डूबता देख आए हाय जबरदस्त भाई जबरदस्त अच्छा ये स्टाइल जड़ा है जड़ा तो मशहूर थे वैसे तो बहुत सारे शायर आने थे शेर शायरी करे दिन थे लेकिन किवें ज़हन विच किवें आया कि मैं इन नाल या क्लिक किवें कीता असल गल है कि मेरा अंदाज भी शुरू करनु ना शायरी दा तकरीबन हां 8 साल करनु मैं शायरी करे ना माशाल्लाह मसन के मेरे को अकाउंट बनावन दा ये वो टिकटॉक दा मेरे को शौक फेसबुक दा यो कहना अच्छा ठीक है ते मैं वो मेरे दोस्त वगैरह के जड़े बैठे हन ते मैं शायरी अक्सर मैं दोस्त ने करे ना जी हां जी दोस्त ही सुनना अच्छा तो एक जड़े मैं शेर उना को सुने ना बैठा हन ते उन्होंने ना वीडियो बना के दी मेरी पहला शेर मेरा टिकटॉक थे अच्छा अब तो मुझे अपना बना कर रख लो ना सब ने मुझे तुम्हारा समझ कर छोड़ दिया हाय हाय अच्छा जबरदस्त लागी तो मैं सिराए की थोड़े जदू कल्या पड़ी गया अच्छा। मेरे को कहना पता कि वीडियो बन रही भी है अच्छा वाला उन्हें वीडियो बनाते ना उन्हें टिकटॉक दे साड़ देती है अच्छा जबरदस्त वो वाला मशहूरी थी ये शेर हाँ, जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल यानी कि अंदाजा कहना ही दोस्ता दे मतलब आधे ना एक बेनर बैठा होंगे बंदा और बंदा रूटीन वाइज बैठा होंगे पता नहीं होंगे और वही अपने एक मुनफिद अंदाज ना यानी कि होंगे बनावट ये बनावट कह नहीं रियलिटी है यानी कि जो अंदाज है इन अंदाज की वजह ना वजह शोहरत बने थे टिकटॉक की तो इन्हें एक अपना ही अंदाज है और ये बनावट तो बगैर अंदाज है कुछ लोग ना बना बना के टिकटॉक बने पे लेकिन एक अपना ही स्टाइल है जिन्हें वजह हिट थे और जबरदस्त थे मजीद शेर व शायरी भी सुन सो बहुत कुछ जानना भी चाहो आहत बारे अंबर को वेसू और अंबर को वे शौक करन को थिया अंबर कितने बना चुके हैं कितने फैंस हैं कुछ अंबर से सो मुझे टिकटॉक का कोई शौक नहीं था तो ये एक एंटरटेनमेंट है यहाँ पे एक अच्छा टाइम भी पास हो जाता है यहाँ पे ये नहीं है कि कोई इनकमिंग मिल रही है हाँ। नहीं इस तरह से नहीं लेकिन एक जो बंदे बोर हो रहे हैं ना वो भी आजकल टिकटॉक बड़े बूढ़े बच्चे वो सब ना मतलब के टिकटॉक पे आए हुए हैं और बहुत अच्छा फील होता है अच्छा और अब... बोरियत आंसर अलग है लेकिन अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है हाँ वो बाहर आता है तो बाहर निकल बाहर आता है ना वो सामने आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है बल्कि अब मुझे शौक हो गया है अब मैं टिकटॉक ना बनाऊँ तो मेरा गुजारा ही नहीं है अच्छा जिवें दी खुराक ते नाल टिकटॉक लाजिम है लाजिम टिकटॉक अब जिंदगी का एक हिस्सा बन गया जिले शाह तुसा तो जिंदा रह सकते हो मस्जिद समा नाल बैठे तो मतलब
feels in the grade. I should have to go for that. अच्छा वाकई असर दे हैं कि जे लोग टिकटॉक बना वाला लग रहे थे उन दे लाइफ का एक हिस्सा बन रहे थे ऐसा डाइट दी तरह है जे खाना जरूरी खा रहे हैं इवें ही टिकटॉक भी जरूरी हो गया लाजिम है जरूरी हो गया टिकटॉक. अच्छा पहला एक्सपीरियंस की में रहा यानी पहली जड़ी वीडियो है उनका रिस्पांस की में रहा. कमेंट्स आते हैं अच्छे भी और बुरे भी. अच्छा रूह तरह के हाँ दो तरह के कमेंट्स आते हैं. रखना चाहिए था. हाँ जहन में ये चीज होनी चाहिए कि अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं. ठीक है अच्छे भी आते हैं वो फिर अपने ऊपर है इग्नोर करो. ठीक है या पॉजिटिव वे में घेर के चलो. उससे फर्क नहीं पड़ता इग्नोर करें आप क्योंकि सारी असर देते हैं ऐसा जितने भी वर्क करें में है तनकीद भी होती है बड़ा इस्लाह नहीं होती बाज टाइम लोगों को आदत भी होती है तनकीद करने की. बंदा सीखता भी है. हाँ इससे बहुत कुछ सीखता है इंसान ना. लोग गलतियां करेंगे हैं. मैं तो आदि हाँ मैं लाइव शो में भी अक्सर आदि होनी है कि भाई मैं भी गलतियां कर रही थी बाज टाइम पता नहीं चल रहा या बाद टाइम रूटीन की गाल चल दी लेकिन अच्छा क्या कीते थे मैं तो कुछ नहीं जड़ा गया हो गया क्योंकि लाइव शो है लाइव शो में मजा आ और मैं हमेशा पसंद करनी है कि लाइव शो जो होना चाहिए निस्बत रिकॉर्डिंग है ना. मतलब जड़ी चीजें पता चलती पी होती और लाइव शो में एक जिंदगी का एहसास होते थे मैंने इसे तक लगते थे कि फ्री स्टाइल करते बैठे हो इवें जो इन्ना को टिकटॉक लगते थे कि फ्री अंदाज न मतलब बने पे हैं या करेंदे पे हैं. अच्छा आहत को मैं जानना चाहता. अच्छा वाले शौक हूँ जा रही हो सारी है चलना पे या हूँ इन्हें तरह जमें याद पे ना कि जो खुराक जरूरी थी गई टिकटॉक बनावा भी जरूरी है या क्या है ना हाली रोक के काम सिर्फ ला. असल मैं इवें कह नहीं सकता शायरी टिकटॉक से. हाँ एक शेर दू शेर मैं जरा मेरे को पसंद आम दे मैं वो ही सड़ेना क्योंकि मेरे को पता लग गया कि आवाम को क्या पसंद है. ठीक है. अच्छा आवाम क्या चाहती के है मैं ये भी जानना चाहती हूँ. आर्टिस्ट को पता लग गया ना कि आवाम क्या पसंद है. वल वाके स्टार वल बन रहे हैं ना तो क्या चाहती के जेरे मैं शेर आके ना वो इन सारे मसन सीधे साधे आवाम को तशरीह नहीं करनी पौंदी. ठीक है आवाम को टाइम समझ आ मिली. ठीक है उलझाओ वाले जेरे शेर शायरी है आवाम को पसंद नहीं करेंगे मजीद कुछ सुनना चाहते अपने किरदार से आ रही हूं मेरे साथ ना चल मैं खुद आप पे भारी हूं मेरे साथ ना चल. मेरा साथ तुझे सांप की तरह डस लेगा मैं बहुत खतरनाक शिकारी हूं मेरे साथ ना चल. मैं समंदर हूं मेरी हर एक लहर खूनी है मैं बड़े जोर से जारी हूं मेरे साथ ना चल. और जिंदगी तगो दो पे लगा देता हूं मैं और जिंदगी तगो दो पे लगा देता हूं मैं बहुत बदनाम जुआरी हूं मेरे साथ ना चल. और मेरे हमदम मुझे कारून का खजाना ना समझ मैं दर दर का भिखारी हूं मेरे साथ ना चल. हाय हाय जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा क्या एक्सप्रेशन है क्या आवाज लाउड है पिया चीज बड़ी काउंट करेंदी पई होंदी है मतलब एक लाउडली शेर शायरी करना और फुल वॉल्यूम जिको आप आग सकते हैं और गले में एक उच्ची पिच नाल है ना थोड़ा मुश्किल काम है शुरू दे स्टाइल में है या बनाए करना मैं शायरी. ठीक है जोश नाल पता चल दे के वाके जोश है सिर्फ टिकटॉक दी हद तक ये अगर तो कोई नॉर्मली आके एक शेर सुनाओ तो इवें तो नॉर्मली आके तो इवें सुने नु आप अंदाज ही है मैं ऐसा नहीं सुना सकता. अच्छा देवान ने मतलब अलावा भी ना सकदे उसी में क्योंकि एक स्टाइल भाड़ बन देती है वाल अलावण वास्ते भी इतने ही ऊंची पिच आवाज निकल दी है या वाकई वो धीमी धीमी निकल दिए थे ये शेर व शायरी वास्ते ऊंची पिच है भाई बस शेर व शायरी वास्ते
ठीक है। अच्छा शुरू दा है या आहिस्ता आहिस्ता स्टाइल है बना, जी 8 साल तो शेर शायरी कर रहे हैं के शुरू दा इवें है स्टाइल या आहिस्ता आहिस्ता बना है स्टाइल? मेरा स्टाइल शुरू दा है ही में एक्सप्रेशन दे नाल, यानी अखियां दे नाल, हाथ दे नाल, ये एक्सप्रेशन ओ घाट लोगों को आंदे वाकई वाकई जबरदस्त जबरदस्त एक लाइफ का होने ही चाहिए जबरदस्त। अच्छा जिले शाह को अगर वैसे कोशिश करे दे आज सब टिकटॉक ब्राउन की कोशिश करे दे वैसे जिले शाह अगर मौका मिले तो किवें कोई स्टाइल सुनने में चाहता पे अपने फील्ड के मुताबिक मैं कुछ करे सा। हां म्यूजिक दा ते मैं इंस्पायर्ड हां इन लोगों से ते यानी सीखने को मिलना पे लोगों को के वैसे तो बहुत सारे लोग डेली डेली मेरे जो अपने फ्रेंड्स लिस्ट में हैं जैसे व्हाट्सएप पे जिन्हें है टिकटॉक बना के स्टैंड पर और उन्होंने पूछ के ना तो उन्होंने लाइक्स बहुत घाट होने थे और पूछ दे पे और इनको ऐसा बंदा ना सुने 5 मिनट बाद चेक करें दन कि कितने लाइक्स हैं। ये बड़ा एक फोबिया भी है मेरे ख्याल। और इन नाल ही नाज ने से चल रहे एक छोटी जे ब्रेक ते कि थे ना वैसे सडन नाल रासो वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद को सिविल दे रंगे। अच्छा टिकटॉक ना स्टाइल लेके मेरा भी दिल आता पर थोड़ा मैं भी थोड़ा स्टाइल बनावन की कोशिश करा। अच्छा मैं हैरान हाँ कि असल लोग लाइव शो बड़े मजेदार कर खेलने साढ़े वास्ते लगता है कि हलवा है इस सच्ची सच्ची दस है बहुत ही ईजी लगते थे ऐसा को क्योंकि बड़े साल तू मैं करें आनी थी मैं 2007 स्टार्ट किया लाइव शो करने। अच्छा हर टिकटॉक कोई बनेगा पे और अगर सबको आते कि यार सारे नाल आ वनो थोड़ा जहा ऐड थी वनो या कल नहीं बनाते मैं बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। मैं हैरान थी यहाँ कि मैं जी इतना बोल घिन इतना अलग घिन यहाँ और पब्लिक जैसा सब शो करें लाजिम में गाले करोड़ों लोग सबको दे दे पे बड़ा मजेदार कर घिन शो लेकिन टिकटॉक बनाओ को जो कि आदि घर जैसा कल बना घिन और सारे वास्ते मुश्किल थी वे कैमरे को फेस करना ऐसा शायद फील करें लेकिन सारे वास्ते उलट हाल थी सा टिकटॉक नहीं बना सकते और सबको अगर आखा ही मैंने आ बने तो सबको समझ नहीं आता पता यार किए बनसी किए करने थे किए एक्ट करने थे ना ज्यादा एक्टर हैं सारे लोगों को हर एक चैलेंज ना अपना ही होंगे जिनको परफॉर्म करने को याद है पहली दफा टिकटॉक बना क्या रिस्पॉन्स घर वाले क्या रिस्पॉन्स है पिया अंबर मुझ पे तो बहुत पाबंदी लगाई गई मेरी मम्मा ने मुझे मना किया कि तू आज के बाद टिकटॉक नहीं बनाएगी। अच्छा उन्होंने ना मेरा मोबाइल छीन लिया। अच्छा मैं बहुत रोई मैंने खाना छोड़ दिया। भूख हड़ताल भूख हड़ताल की थी नहीं शाम तक की थी ज्यादा टाइम नहीं भूख शाम तक की थी उसके बाद फिर बोलते हैं कि चलो तेरा शौक है हाँ तो मोबाइल वापस कर दिया ठीक और फर्स्ट टाइम मैंने वीडियोस देखती थी लोगों की ठीक है तो मुझे बहुत अच्छा लगता था मैं कहती थी मेरे अंदर भी टैलेंट है तो मैं क्यों ना उसको ट्राई करके देख ट्राई करा ठीक हाँ जी ट्राई करके देखती हूँ तो आहिस्ता 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 अब फिर मैं टिकटॉक बनाने लग गई। गुड अच्छा ये झिझक होंगी है हाँ अगर ऐसा कैमरे की गल करें कि फर्स्ट टाइम जी है झिझक होंगी है मेरे को याद है मैं पहला जो शो किया है और मेरा जो दिल है धक धक थींदा पिया और बड़ा मुश्किल है मेरे वास्ते पहली परफॉर्मेंस ले आना और उनके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो झिझक होंगी खत्म थी तो सब एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते कॉन्फिडेंस बिल्ड थे जो जो तो इवें होंगी पहली जड़ी है टिकटॉक जरा मुश्किल है या उतना मजेदार नहीं बंदे को नहीं नहीं फर्स्ट टाइम जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी मुझे हाँ वो मैंने तकरीबन एक वीडियो पे ना तकरीबन 10 दफा तो ट्राई किया है तब जाके एक वीडियो मुझसे सही बनी लेकिन अब आहिस्ता 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 अब मेरी झिझक उतर गई है तो कोई मसला नहीं अब तो कहीं मैं बाइक खाना खाने भी जा रही हूँ ना पहले टिकटॉक बन रहा है मैं तो आके ना जो लोग टिकटॉक इतनी आदि थी मैंने डाइट टिकटॉक भी जरूरी बन दी जिम्मे के सारे जनाब जी एजबिन जे बाबा जी जड़े हैं पे मेरा असलम लोधी साहब वह भी टिकटॉक के बगैर नहीं रह सकते उन्होंने भी लाइफ का एक हिस्सा है पिया और माशाल्लाह बड़े मजे थे उन्होंने भी टिकटॉक होंगी खूब असा इंजॉय करेंगे पे उन्हें अच्छा है उन्होंने शौक और मैं जो ला दिया ना आवन मेरे शो में वाल सब लोग हेजिटेट कर नहीं आयशा नहीं बहुत सारे गेस्ट हैं लेकिन अच्छा लगते थे क्योंकि मैं आते कुलीग्स को भी आना चाहिए थे अगर कोई चैलेंज उन्होंने अंदर है तो नजर आना चाहिए अच्छा क्योंकि मैं जो रिक्वेस्ट करने पर जिले शाह को तो मेरे को आते पे आयशा मैं भी अच्छा गा सकता थी मेरा भी स्टाइल है थोड़ा गायकी आला थोड़ा गुनगुना सो कुछ होने सो सको
गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं वो नहीं रहा, मैं वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दर में आ, दोस्तों के दर में आ, वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। वाह जी वाह, जबरदस्त है, जबरदस्त। अच्छा एक एक्सप्रेशन होता है कि अखी उले ने, अच्छा आहा दे अखी भी नाल नाल एक्सप्रेस करने ना, अपने फीलिंग्स, अपने जिहड़े अल्फाज हैं साथ देने थे, यानी कि अखी भी साथ नाल देने थे, कुछ होने ना एक्सप्रेस सही नहीं कर पाते, कुछ नहीं आते ना अखी बोले देने थे, और आहा दे अखी बोले देने थे, शुरू दही में है, मतलब अखी तरह बोले दे नजर आने थे, तो जो वर्ड्स हैं जबान तो जीवन तो साथ आकर दे, वो ही तरह अखी दे एक एक्सप्रेशन नजर आने थे। ये बहुत कम लोग समझते हैं मेरे एक्सप्रेशन है ना, शायरी है, हाँ एक कोई इंस्पिरेशन है थोड़े, मतलब दिल च और राज गलत है, हाँ। निकलने थे है ना, क्या है, क्या चक्कर क्या है। नाम तो ले लूं उसका, ओहो नाम तो ले लूं उसका, ले लूं उसका पर ख्याल आता है मासूम है सनम मेरा कहीं बदनाम ना हो जाए। आए, हाय जबरदस्त, ए राज नहीं निकल डाला, कोई कोशिश कर गए नो अपने महबूब दा सा को ख्याल है पिया। मतलब ये तो पता लग गया ना इंस्पिरेशन ते हिंदी भी है, इधर बगैर शायर आदम शायर बनदा कहने वाकई में है पिया। कोई बछोड़ा होंदे थे या कोई मतलब इस तरह दा सिचुएशन होंदी जित एक शायर जड़ा है शायर ही बनदे थे ना, आते हैं जो लिखण दा जड़ा अंदाज है को आंदे थे कि मैं असल इतना इश्क और मोहब्बत की लड़ाई में ना मैं फंस गया हूँ, न इश्क हार मानता है ना मोहब्बत हार मानती है। वाह आप बताएं खान करे क्या। जबरदस्त, अच्छा आप बताएं खान करे क्या। क्या अंदाज है यार। वैसे क्या करे दोस्त, अच्छा हम जैलस थे या हम खुश थे जिन्होंने तो टिकटॉक बनाई और जो समाज चले इतने मशहूर थे, दोस्तों का क्या वो है क्या फीलिंग्स हैं, क्या है असल च तेरे मुखलिस दोस्त हैं वो तो खुश ही थी, तेरे मुखलिस कहने वो ज्यादा अक्सर ज्यादा जैलस ही थी। अच्छा मुंह तो बड़े खुश थे, मुंह तो खुश थी लेकिन कंडू पीछू वाला। या तनकीद सुन को मिलती है यार, ढेर गाल ही करे नन लेकिन असा तो मुंह ही पेश हम जी मैं पहले पेश हम दा मुना सही सही। क्योंकि आके दो जाने फरमाया कि जिंदगी में बेहतरीन शख्स तुम में से वो है जिसका इखलाक अच्छा है। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। और वाकई एक गल हकीकत है, इज्जत और इज्जत अल्लाह दे ही हाथ में है भाई, लेकिन ये है कि जो अपना इखलाक है वो तो अल्लाह जाने मेन जो चीजें होनी चाहिए थे। अच्छा
जिले शाह जैसे टिकटॉक की गाल करने पे हैं, बहुत सारे लोग ट्राई भी करने नहीं थे, लेकिन हर बंदा कामयाब नहीं थी ना, हिट नहीं थी ना था। जी मैं तो मोले ब्रेक टाइम हाँ। याद पे मैं भी वाकई मैं सोचने पे मैं कामयाब को नहीं थी असल वे सोचने पे सिर्फ वे ट्राई कर रहा करे और मैं आदि फेम के मेरे बीच वो एक्सप्रेशन क्या नहीं शायद मैंने दे सका जी मैं ना दे अच्छा नाली नाज ने चलते पे छोटी ब्रेक थे कि थे ना वैसे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सुता को सवेल देंगे और इन टाइम बिल्कुल मेरे नाल टिकटॉक दे शहजादे आ सकते सुपर स्टार्स जड़े हैं टाइम मौजूद हैं पे आहद भी हैं पे और अंबर शाह भी हैं सारे नाल अच्छा क्यों ना असा भी ट्राई करो असा सोचे जिले शाह ने और मैं कि भाई असा क्यों पिछू रहे उन्होंने असा हर काम करके नहीं तो ए टैलेंट भी सारे बच्चे भी है ए हिडन टैलेंट ऐसी कोई गाल नहीं ट्राई इतना कुछ डायलॉग जो है तुसा करे सो और थोड़ी एक्टिंग जड़ी है आयशा करे सी ठीक है तो सर रेडी रिश्ते में तो मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ नाम है आयशा थोड़ा पीछे रह गई एकदम फिर एकदम फिर ट्राई सही तरह से ट्राई रिश्ते में तो मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ नाम है आयशा वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सुता को सवेल देंगे और अहद मकसूद वाले चलसूं और इना दे जरा अंदर जो दर्द है मोहब्बत दा और अदना इन को मोहब्बत ना मिलन दा जरा दर्द मैं दो ताकत भण वने थे और जड़ी मोहब्बत अगर मिल वने तो सुहेल दा आखना होते या शरण मरीद भण वने बंदा सुहेल आ देते क्योंकि चखासा बन चुके थे और अगर अगर और अगर मोहब्बत ना मिले तो वाले ताकत भण वने दी क्या वाकई हकीकत है क्या बिल्कुल ही हकीकत है है ना हकीकत है वाल इंसान थोड़ा अपने आप को टैलेंट है जिम्मे तो नजर आना पे यानी ये मोहब्बत ना मिलने की वजह से टैलेंट नजर आना पे जी बिल्कुल है ना कुछ सुने सो साको बिल्कुल ठीक हां बिल्कुल अपने अंदाज में मेरे यार ने मुझसे कहा कि मैं तुम पर मरता हूं मेरे यार ने मुझसे कहा कि मैं तुम पर मरता हूं मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया ये बात तो सही है कि तुम मुझ पर मरते हो लेकिन जीते किसके लिए हो आए, आए। बताओ भाई मरते तो इसके लिए हो जीते किसके लिए हो जबरदस्त जबरदस्त अच्छा पूछा जवाब बड़ा अंदाज बड़ा वो है बताओ जीते किसके लिए हो ऐसे की तैसी तेरी जबरदस्त भाई जबरदस्त कोई गीत हाँ नींद को बदुआ न दे जाना नींद को बदुआ न दे जाना गेसुओं की हवा न दे जाना नींद को बदुआ न दे जाना गेसुओं की हवा न दे जाना हश्र में कौन दोबारा ट्राई करे सो मेरे भी दस्ते वहाँ के जनाब आह जन एक बहुत अच्छे नात खां भी हैं पे और इन दहक अपना अंदाज भी है माशाल्लाह और हाफिज भी हैं पे भी मैं दस्ते वहाँ माशाल्लाह मल्टी जन टैलेंटेड हैं पे काश इश्क के इंतखाब तला है खेन को कुछ वो शेर अगर याद हो तो जरूर सुन सो सारे नाजरीन को काश के इश्क में इंतखाबात होते मिरानी काश के इश्क में इंतखाबात होते गजब की धांधली करते तुझे पाने के लिए
वाह जी वाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त। अच्छा बदला वो नहीं, बदलेंगे बदलेंगे हम भी, कोई ये है तड़ा याद है। बदला वो तो बदल गए हम भी, बदला वो तो बदल गए हम भी, मोहब्बत ही करते थे ना कोई बंदगी तो नहीं, वक्त तो बरहल कट ही जाएगा वो कोई शरीके जिंदगी तो नहीं। वक्त तो बरहल कट ही जाएगा वो कोई शरीके जिंदगी तो नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। मैं शेर सुनाना चाहना, मेरा बड़ा आला शेर है, फेवरेट है तेरा, फेवरेट है मेरी लाइफ दा पहला शेर है। अच्छा जदा कनु मेरा अपना खुद दा शेर है। अच्छा, जदा कनु मैं शायरी शुरू कीती है, टीचर ने मेरे को आख्या के आहद कोई शेर सुनाओ, तुम पंजवी क्लास से पढ़दा तो मैं अपने टीचर को सुनाया हम शेर है। बिछड़ कर फिर मिलने का यकीन कितना था, ये जो मैं अगला जुमला पढ़ रहा हूं किसी के दिल में उतरने लगा है और किसी के दिल से गुजरने लगा है, किसी के चेहरे पे रनाई छाने वाली है और किसी को गम घेरने वाले हैं। बिछड़ कर फिर मिलने का यकीन कितना था तो ये ख्वाब पर हसीन कितना था, मेरे जवाल से पहले ही वो मुझे छोड़ गया, यारो हसीन तो था पर जहीन कितना था, यारो हसीन तो था पर जहीन कितना था। वाह कि कितना जहीन था। अच्छा जरा हाथ दस टाइम है ना, जहीन कितना था, ए इश्क तूने मुझे रुला के रख दिया, ए इश्क तूने मुझे रुला के रख दिया, ए इश्क तूने मुझे रुला के रख दिया, मेरी मां से पूछना लाडला कितना था। पूछ के लो नहीं तो शामत आवे से। जबरदस्त भाई जबरदस्त। अच्छा ये जो स्टाइल है ना ये बड़ा जबरदस्त है, पूछ के दिखाओ। मतलब शायर अपने एक्सप्रेशन ही नहीं दे पे ना लड़ता ही पे समाज नाल। वो शेर था वो अता ना था, वही मसला दुआ था अता ना था। हां सुनी जो वाला बड़ा वीआईपी शेर है। ठीक है ठीक। वो तलब ना था, वो तलब ना था अता था, ख्वाहिश ना था दुआ था, वो कभी भी ना जान सकेगा वो मेरे लिए क्या था, वो कभी भी ना जान सकेगा वो मेरे लिए क्या था। वाह जी वाह जबरदस्त भाई जबरदस्त। अच्छा खानपुर ना तेरा ताल्लुक है और खानपुर का जो टैलेंट है वो सामने नजर सको आना पे अच्छा लगा पे थे, और कुछ अपने इलाके के बारे में सको दसे सो किए जे लोग हैं उत्थां, क्या खानपुर के लोगों वास्ते एक शेर भी जरूर सुने सो, और इनके अलावा कितने उत्थों के जेडे फेवरेट जेडे मियादियां खाना है वो भी दसे सो, मशहूर कड़ी जगह है या मशहूर जेडा खाना है बड़ा तो अच्छा। खानपुर के पेड़े मशहूर हैं। हां पेड़े बिल्कुल है ना, खानपुर कटोरे दे नाम तो खानपुर मशहूर है। सही सही, क्योंकि कदीमी शहर है ते उत्थों किराड़ हिजरत ओ कारोबार करने हैं। सही किराड़ ज्यादा उत्थर होते हैं ते कदीमी शहर है जो एक शहर है खानपुर कटोरा, क्योंकि इंडिया का जरा बॉर्डर है ना उथू नाल ही लगते, अच्छा कम से कम 25 किलोमीटर थे उसे। सही सही सही, वहीं वास्ते तो तिजारत ज्यादा किराड़ी उथू लंघ मिले हैं खानपुर के बीच। सही सही। अच्छा ते हुण अस जासो के खानपुर के लोगों वास्ते और मुल्तान के लोगों वास्ते कोई सुने सो थे कोई शेर सुने सो। काम काज और मिजाज कैसा है, कल तो कल था बताओ आज कैसा है, हमारे शहर खानपुर में लोग मोहब्बत के दुश्मन हैं, बताओ आपके मुल्तान शहर में रिवाज कैसा है। बताओ आपके मुल्तान शहर में रिवाज कैसा है, हमारे शहर खानपुर में लोग मोहब्बत के दुश्मन हैं, बताओ आपके मुल्तान शहर में रिवाज कैसा है। वाह जी वाह जबरदस्त भाई, बताओ भाई मुल्तान में रिवाज कैसा है, इधर मोहब्बत इधर दुश्मन नहीं ठीक है यहाँ के लोग हैं।
इतना ठीक है, मोहब्बत तो दुश्मन हाँ, जवाब ले देते तो ठीक है। अच्छा जिले शाह मैं तो ट्राई की थी और तुम्हारी बारी है तो सही और ट्राई कर रही थी क्या टिकटॉक मैं हल्दा की भाई शेर आखिर तो मैं ठीक है और परफॉर्मेंस इतना आसी तो आला शेर हो सी लेकिन परफॉर्मेंस इतना आसी एक्टिंग दे दें कितना का सर जिले शाह ओके रेडी रेडी हाँ स्टार्ट। अब तू हमारे दिलों पर राज किया कर कभी ना कभी तो तू हमें याद किया कर तूने खा ली है ना कसम हमें बर्बाद करने की दुआओं में ना सही तो बद दुआओं में याद किया कर। ये स्टाइल करना था ये एंड ये वाला हाथ वाला कोशिश अभी ट्राई की जरूरत है और ट्राई करना स्टाइल ये करना और एक्सप्रेशन भी अभी थोड़े कम थे वो जो थे आंखों में बातें उनके हाँ अभी जरूरत है लेकिन जबरदस्त जबरदस्त अच्छा अंबर वाला चल सो और अंबर पहले तो मुखालफत चलती रही घर वाले की और हॉर्न अप्रिशिएट करें या हॉर्न भी अप्रिशिएट नहीं अभी इजी है अभी मुझे कुछ नहीं कहते उन्हें पता है कि ये छोड़ने वाली है नहीं इसको टिकटॉक का नशा लगा हुआ है ठीक है उन्होंने पहले पहले काफी कोशिश की है कि ये ना बनाए हाँ। सख्ती की है मुझ पे मोबाइल छीन लिया गया मुझसे लेकिन दुश्मन जमाना बना फिर भी हम रहे नहीं बात ए मुल्तान अली गल सच थी गई इतना नजर आती पे ना ही नाजन चलते छोटी ब्रेक थी थे ना सर ना बस जबरदस्त भाई जबरदस्त अच्छी सिंगर भी है हमें पता नहीं था ये क्या क्या टैलेंट छुपा हुआ है ऐसे कभी कभी बस ट्राई कर लेती हूँ अच्छी ट्राई है खूब चलसो असा और जना बिल्कुल अहद वाले और क्योंकि मजाया शेर शायरी भी करन अहद और ए टैलेंट भी है ना विच मजा दी हंस भी पाई वेंदी थोड़ा चस जी बिल्कुल मैं तो उस दिन से सर्दी में मर रहा हूं मैं तो उस दिन से सर्दी में मर रहा हूं जिस दिन से उसने मुझे कहा बगैर शर्ट के तू संजय दत्त लगता है जबरदस्त जबरदस्त सिंपल और सादा डायलॉग मजा दे डाल मजीद जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई जिसको प्यार किया वो पिंडी चली गई मेरे जमीर ने गवारा ना किया कि मैं खुद खुशी करूं सुच में हाथ दिया बिजली चली गई
जबरदस्त जबरदस्त, एक दिल्ली गई एक पिंडी गई, सोचे छात माता तो बिजली गई। वाह जी वाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त। अच्छा खुद ही लिख दे हो और टाइपिंग क्या है? खुद लिख गिनना, कुछ लोग जो फैज हासिल कर गिनो। अच्छा जबरदस्त, ये भी अच्छी गाना। मेरा एक पसंदीदा कहीं कहीं को मैं फैज हासिल की थे चाहते शेर, मैं अपनी जुबान ही तो आपको सुनावण चाहता हूं। सुनी जो सिंह वाला जी। आग लगी मेरे घर को, उसने पूछा बचा क्या है। आग लगी मेरे घर को, उसने पूछा बचा क्या है। हमने कहा कि हम, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया फिर जला क्या है, फिर जला क्या है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया फिर जला क्या है। शुक्र है बच गया। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और मेरा अंदाज वाकई मुनफरिद है, बिल्कुल हट के है। ऐसा वैसे तो शेर शायरी सुनते रहने, बहुत सारे शायर आए सारे नाल, माजे अंदाज उन्होंने होंगे, लेकिन कोई अंदाज ऐसा हो जो हिट कर रहे थे। इतनी सादा शेर शायरी हिट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक अंदाज ऐसा मुनफरिद और अनोखा है कि हिट कर गए थे। नाजिन चलते पे छुट्टे ब्रेक ते कि सारे नाल रस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद। अक्सर तक सवेल दरांगे और वाकई वाकई मैं आज बहुत ही इंजॉय करेंदी पई हाँ, बहुत ही अच्छा लगता पे मेरे को सवेर सवेर नाल जड़ा है मेरे शो में। माशाल्लाह टिकटॉक जड़े स्टार्स आए थे और जिले शाह आए थे, बड़े अरसे बाद मुलाकात थी, तो वाकई बहुत ही अच्छा मैं टाइम गुजरता पे और बस गुजरा नहीं आला है प्यार, मेरा दिल नहीं आता प्यार ना कि थोड़ी देर बाद गुजर बने टाइम, बस 15 मिनट या 2 मिनट पे थे। अच्छा मैं चल सा और अंबर सब कुछ छुने दे पे थे है ना, अंबर माइक चेसो और साको कुछ गीत सुने से नंबर। बाहों में तेरी आके लगा मेरा सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म मेरी कहानी। जबरदस्त, बहुत खूब। और मैं अपने सारे कैमरामैन को आदि पे फिर भी मैं तुम्हें चाहूंगी। जबरदस्त भाई जबरदस्त, बहुत खूब बहुत अच्छा। अच्छा सलसा और मैं जनाब बिल्कुल अहद वाले और अहद अहद क्या अगु क्या करने क्या सोची क्या प्लान की था कितने तक पुजने थी अगु मैं मजीद को अल्लाह ताला ने अगर मैं चांस रही था मैं फिल्म में तुम्हें वैसा ओए होए जबरदस्त हीरो आवन दा मूड है विलन आवन दा। अच्छा अच्छा इन अंदाज ना तो विलन ही आ सकते फिर देखा जाएगा। अच्छा विलन दा क्यों मूड है क्या है, हीरो क्यों नहीं आना चाहते? असल च हीरो को मोहब्बत तड़पें दी है ना फिल्म में भी हां इन वास्ते विलन ही है, विलन ही हम सामने है। अच्छा ठीक है विलन ही आ विलन हीरो दी मोहब्बत चावे ने। वाकई जबरदस्त भाई जबरदस्त। अच्छा कुछ सुने सो मिक्स फंक्शन से कुछ मजा आया कुछ डरना सीरियस थोड़ा इतना आना ना। कुछ तो दर्द में डिस्काउंट दो, कुछ तो दर्द में डिस्काउंट दो, हम तुम्हारे रोज के कस्टमर हैं। कितने परसेंट डिस्काउंट चाहिए? अप टू 70 या अप टू 50? फ्लैट 50।
मजीद वफापा ने निकले थे भाईजान, वफापा ने निकले थे, वफात पा गए। वाह जी वाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त। अच्छा मतलब कोई तवील जड़े है शेर शायरी करेंदे पे हो या बस एक कदा वर्ड्स नाल जो टिकटॉक मुख्तर से जाओगे वही ट्राई कर दे। चार नी बात पांच नी बात एक शेर साड़ देना जरा मेरे को पसंद नम दे। वो ठीक है कितने सुन गए दा वो अच्छा लग गया कि नहीं तो वो अक्सर रात को मैं अपने ही बने ना ज्यादा कहीं ना अगर कोई अच्छा शेर आवे दे तो फैज हासिल कर गिनदा। हां अगर मैं अपना मेरा खुद दा अच्छा अगर मैं लिख गिनदा तो खुद मैं। अच्छा अच्छा ये तो ठीक है कि यानी आप मतलब आप थोड़ा अपना मशहूर शेर केड़ा या बहुत ज्यादा थे पसंद किया गया वो केड़ा है। तुमने ही तो कहा था मैं कश्ती पर बोझ हूँ, अब आंखों को मत ढांप मुझे डूबता भी देख। जबरदस्त भाई जबरदस्त, मुझको डूबता भी देख नारी उठाता और हशर कर रहे। अच्छा ये दसो ये थोड़ा अपना लिखा हुआ शेर? ये मेरा अपना खुद है। ठीक है और 8 साल तो लिख दे आंदे हो माशाल्लाह टिकटॉक दा हुण टिकटॉक ते मैं भी ज्यादा शौक ही कहना। हां लेकिन हुण मजा आए हुण मेरा ज्यादा इदे ही रुझान है। ठीक है मैं हाफिज़े कुरान भी हां माशाल्लाह, तरावी भी पढ़ा है 3 साल में, 13 साल थी कि तरावी पढ़े ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मल्टी टैलेंटेड में आ चुकी है ना कि बंदा सारे नाल है पिया है टिकटॉक दा स्टार कहने बहुत चीजा में स्टार ही स्टार हैं पे। अच्छा अमर क्या करने हो मजीद, ये जा रही है सारी है कुछ चेंज करने थे कुछ जलाक होते भी परफॉर्मेंस देनी है म्यूजिक पे क्या चलता क्या कुछ आगे बढ़ने का इरादा है सोचा हुआ है कि अभी से छोड़ू ना। ठीक है तो अल्लाह ताला कामयाब करे मुझे। ठीक है ठीक है। अच्छा इंडिया में भी अपना स्टाइल होना ही हर बंदा अपने स्टाइल नाल हिट थिंदे जिवे के बिल्कुल अहद है का स्टाइल है उनकी वजह नाल हिट है। वैसे टिकटॉक से गल करते वैसे के बहुत लोग बने लेकिन हर कोई हिट नहीं थिंदा लेकिन कहीं दे कुछ ऐसा आइडिया होंदे या कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिदे नाल हिट असल तो एक्सप्रेशन है ना। मैं आ जी जी कोशिश तो हर कोई करे देते हैं मैं भी करती हूँ पर मैं हिट नहीं होती वैसे यानी उन तरह मैं एक्सप्रेशन नहीं दे सकती जिवे ए लोग दे देते तो सब नहीं दे सके जिले भी फ्लॉप थी लेकिन कोशिश ऐसा जरूर करे सो करना है हमने एक्टिंग तो हम करेंगे भाई ए है पिया। अच्छा जिले अगर कई गाने तो आपको आखा होते तो तुसा केड़े गीत है जिनको टिकटॉक आसान नाल बढ़ा सकते हो या कर सकते हो एक्टिंग कर सकते हो? म्यूजिक तो मेरी जीन्स है जो हाँ। तो वो तो मतलब मैं हर के टिकटॉक अपना मतलब गाने तो कर सकूं बट डायलॉग डिलीवरी जी में है तो उनसे तो थोड़ा जी मसला थी बट द पैसेज ऑफ टाइम शायद वो भी ठीक थी। वो ठीक थी। अच्छा वो भी सुन सो तो लास्ट गाना थोड़े को सुन जिले शाह और थोड़ी एक्टिंग जड़ी है परफॉर्मेंस बिल्कुल अमर ने ही देवनी है थे और इतना चलसा मैं और क्योंकि आखिरी वेला है आखिर दिन प्रोग्राम मुकरण दा ते आखिरी टाइम इस क्या सुने सो आप नाजरीन को आहत क्या सुनाओ तो सब कम कर जो अपने फैंस से ना कर लो डेडिकेट कर लो जड़े कुछ सुनाओ चंद फैंस को सुनाओ पे शेरी सुनाओ। हां बिल्कुल। आपकी एक मुस्कुराहट पर हम अपने होश गवा बैठे, आपकी एक मुस्कुराहट पर हम अपने होश गवा बैठे, होश में आने ही वाले थे कि आप फिर मुस्कुरा बैठे। जबरदस्त भाई जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जनाब आहत मकसूद हंसारे नाल टिकटॉक दे जनाब जी सार सकदे स्टार हंसारे नाल अंबर शाह हन ए भी टिकटॉक दे स्टार हन, शुक्रिया तशरीफ घिन के है जनाब जिले शाह हन ए सारे स्टार हन भाई भाई वसीम दे स्टार हन, थैंक यू तशरीफ घिन के है और तमाम नाज़रीन दा बहुत शुक्रिया जनाब, तेरे फीडबैक दी बहुत ही अशद जरूरत है, सा कुछ जरूर दे सो आप।